Hi everyone, so welcome to my channel in Glam Beauties. Myself खुशबू सिंह and I hope you all are doing well. आज की इस वीडियो में मैं आपको कटन सिल्क की साड़ी को चार अलग अलग स्टाइल्स में ड्रेप करना सिखाऊंगी. साथ ही साथ मैं आपके साथ कुछ ऐसे हैक्स और ट्रिक्स भी शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी साड़ी ड्रेपिंग की जो प्रोसेस होती है उनको और भी ज़्यादा सिंपल और ईजी बना देंगी. तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं. सो गाइज, ड्रेपिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज की साड़ी की डिटेल्स दे देती हूँ. साड़ी जो है वो है कटन सिल्क की साड़ी. काफ़ी शानदार प्रिंट्स हैं और शाइन आप यहाँ पे देख ही सकते हो, काफ़ी ज़्यादा शाइनी है. तो ये जो साड़ी होती है ना वो स्पेशली ब्राइड्स के लिए ही डिज़ाइन की जाती है. तो अगर आप ब्राइड बनने वाले हो या आपके जान पहचान में कोई बनने वाली हैं तो आप उनको ये साड़ी रेकमेंड कर सकते हो. तो चलिए फिर अब हम अपनी ड्रेपिंग स्टार्ट करते हैं. तो हमारा जो फर्स्ट ड्रेप है वो है साउथ ड्रेप, या फिर आप इसको निवी ड्रेप भी बोल सकते हो. तो इसके लिए आपको अपनी साड़ी की जो एक कॉर्नर होती है उनको अपनी राइट साइड से टक करते हुए एक राउंड कंप्लीट करना होता है. साड़ी जब आप टक करते हो तो नीचे की तरफ आप साड़ी की लेंथ कभी भी फ्लोर टचिंग मत रखिए, क्योंकि मान लीजिए अभी तो आप अपने फुटवेयर पहनकर साड़ी को ड्रेप कर लोगे, बट अगर मान लीजिए आपको कहीं पे ज़रूरत पड़ी अपनी फुटवेयर उतारने की तो फिर वहाँ पे साड़ी की लेंथ आपकी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और फिर आपको चलने में प्रॉब्लम होगी. तो इसके बाद आप अपनी साड़ी की पल्लू की फैब्रिक को पकड़िए और इसको पीछे की साइड से घुमाकर आप सामने की तरफ लेकर आ जाइए. तो क्योंकि इस टाइप की जो कटन सिल्क साड़ी होती है वो थोड़ी सी हेवी होती हैं, तो इस हेवी साड़ी के लिए हम अपने पल्लू को पहले ही सेट कर लेंगे. फ्रंट प्लेट से हम अपनी पहले ही शोल्डर प्लेट बना लेंगे. तो पहले तो हम अपनी पल्लू को इस तरीके से पकड़ेंगे. अब देखिए, अगर आप हमेशा जो ट्रिक यूज़ करते हो अगर वही ट्रिक आप इसमें इस्तेमाल करोगे तो आप फेल हो जाओगे, क्योंकि साड़ी की जो वेट है काफ़ी ज़्यादा है, पल्लू भी काफ़ी हेवी है. तो इसीलिए हम यहाँ पर कुछ ट्रिक यूज़ करेंगे, क्योंकि अकेले इस तरीके की हेवी साड़ी को ड्रेप करना थोड़ी सी मुश्किल है, बट इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप कुछ ट्रिक्स यूज़ करके आप इनको ड्रेप कर सकते हो. तो आप इसकी एक कॉर्नर को अपनी नेवल के पास टक कर दीजिए और दूसरी वाली जो कॉर्नर है आप वहाँ से प्लेट बनाना शुरू कीजिए. फर्स्ट प्लेट आपको अपने लेफ्ट हैंड के साइड पे घुमाते हुए अरेंज करनी है. अब फिर अपने आप दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए वन बाई वन सारे फैब्रिक को आप प्लेट्स में अरेंज कर लीजिए. अब देखिए, लास्ट में फैब्रिक बड़ी या छोटी हो सकती है, तो आप उस हिसाब से अपने प्लेट को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो. तो यहाँ पे क्योंकि ये थोड़ी सी हेवी सिल्क साड़ी है तो कोई भी नहीं चाहेंगे कि इस तरीके की साड़ी जल्दी ख़राब हो, तो इसीलिए मैं आपको कभी भी सेफ्टी पिन यूज़ करने के लिए नहीं बोलूँगी इस साड़ी के साथ. आप इस तरीके की कोई साड़ी वाली क्लिप इस्तेमाल कर सकते हो. ये क्लिप आपको कहीं पर भी किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर में आसानी से मिल जाएंगी. अब देखिए, प्लेट तो हमने बना लिया, अब इनको हम अरेंज कैसे करेंगे. तो अरेंज करने के लिए आप सबसे पहले तो प्लेट्स की जो क्रीज हैं उनको आप बाहर की तरफ निकालिए और अपने हाथों से पहले उनको सेट कीजिए. इससे क्या होगा कि जब आप इस तरीके से अपने प्लेट्स गैदर करोगे तो काफ़ी आसान होगी आपके लिए और सभी प्लेट बिल्कुल एक साइज़ में आपसे गैदर हो जाएंगी. तो बीच बीच में आप चाहें तो ये साड़ी क्लिप का इस्तेमाल कर सकते हो अपने पल्लू पे, ताकि प्लेट्स जो रहें वो अपनी जगह पे ही अच्छे से बैठी रहें और वो दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखे. तो अब जो रेड वाली पार्ट है वो उतनी ज़्यादा हेवी नहीं है, तो जब आप ग्रीन वाले अपनी पल्लू को सेट कर सकते हो तो रेड वाली पार्ट भी आपसे आसानी से सेट हो जाएंगी. तो इस तरीके से मैंने अपने पल्लू को सेट कर लिया है और पल्लू की लेंथ आप पीछे की साइड पर हमेशा घुटने से नीचे तक रखिए. तो अब मैं शोल्डर प्लेट्स को अपने ब्लाउज़ के साथ सिक्योर करने के लिए साड़ी क्लिप का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि ये क्लिप हेवी से हेवी पल्लू को भी बहुत ही अच्छे से पकड़ी हुई रहती है, आप देख सकते हो. अब सामने की तरफ हम फिर से जितने भी हमने प्लेट्स अरेंज किए थे उनको हम गैदर करेंगे और लास्ट वाली जो हमारी प्लेट होंगी इनमें हम एक छोटी सी प्लेट ऊपर की तरफ चढ़ाते हुए अरेंज करेंगे. अब यहाँ पे हम सारे प्लेट को लेंगे और अगेन हम साड़ी क्लिप का इस्तेमाल करेंगे.
तो साड़ी क्लिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है, प्लस आपकी फैब्रिक के लिए भी ये बहुत ही फ्रेंडली है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम साड़ी में स्लीम दिखने का तरीका सीखेंगे। कमर के पास जो फैब्रिक आती है, आप यहाँ पे फैब्रिक को कमर के पास सेट करके एक सेफ्टी पिन लगा लीजिए। अब जहाँ पे आपने सेफ्टी पिन लगाया है उनसे थोड़ी सी दूर वाली फैब्रिक को आप उठाइए, और ठीक जहाँ पे ये फैब्रिक ऊपर की तरफ आ रही हैं हम उनको उसी सेम प्लेस पे ही टक कर देंगे। टक किए हुए फैब्रिक को हम साड़ी क्लिप से दबा देंगे ताकि ये फिर हमारे कमर के पास लूज ना पड़ जाए। अब हम सामने के प्लेट्स कैसे बनाते हैं वो सीखिए। राइट के तरफ हम थोड़ी सी फैब्रिक छोड़ेंगे और अपनी राइट की उंगलियों को हम कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आप स्क्रीन पे देखिए, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि हम प्लेट्स अरेंज कैसे करते हैं। तो ये वाली ट्रिक पे मैं ज़्यादा फोकस इसलिए करती हूँ क्योंकि अगर ये तरीका आपको आ जाती है तो फिर आप किसी तरीके की भी फैब्रिक के साड़ी को आसानी से प्लेट्स में अरेंज कर पाओगे। जैसे आप यही ले लीजिए कॉटन सिल्क, इस फैब्रिक को आप अगर अरेंज करने जाओगे तो आपसे थोड़ी सी मुश्किल होगी, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट अगर आप ये वाली ट्रिक यूज़ करते हो तो एक बार में सारे प्लेट्स बहुत ही अच्छे से अरेंज हो जाएंगी। तो बस हमें धीरे धीरे करके सारे प्लेट्स को ऐसे अरेंज कर लेनी है। अब हम राइट वाले साइड पे जो हमने फैब्रिक की लेंथ छोड़ी थी उसको हम फर्स्ट प्लेट में ऐड कर देंगे। अब हम सारे प्लेट की डायरेक्शन अपने लेफ्ट साइड पे घुमाएंगे और इनको अपनी ठीक बेली बटन के पास टक कर देंगे। प्लेट्स टक करने के बाद राइट के तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचती है आप उनको उसी ठीक प्लेस पे ही अंदर की तरफ टक कर दीजिए। एक बार जब प्लेट्स बन जाती हैं तो फिर हमें अपनी पल्लू को केवल अच्छे से सेट कर लेना है। तो इस साड़ी के साथ इस स्टाइल पे आप कमर बंद का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, लेकिन कमर बंद को कभी भी ऐसे सीधे आप मत लगाइए। इनको हल्का सा आप अपने कमर के ऊपर ऐसे लूज़ कीजिए और उसके बाद इसको लगाइए। ये लुक जो होती है वो आपकी तो एक कमर बंद से भी आपकी स्टाइल में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो इसीलिए आप वेस्ट चेन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और अब आप देखिए यहाँ पे फाइनल लुक। तो इस तरीके से आप ही प्रोफेशनली अपनी साड़ी को ड्रेप कर सकते हो। चलिए अब हम इसी साड़ी को किसी दूसरी स्टाइल में ड्रेप करना सीखते हैं। तो इस दूसरे स्टाइल में हम अपनी पल्लू की लेंथ थोड़ी सी लंबी कर लेंगे। आप इसको अपनी लेफ्ट साइड की शोल्डर पे ही उल्टा पल्ला लेते हुए रख लीजिए। पीछे की तरफ इसकी लेंथ बिल्कुल फ्लोर टचिंग होनी चाहिए और फिर आप इसको अपनी शोल्डर पे सिक्योर कर सकते हो। सामने की तरफ आप देख सकते हो कि फैब्रिक थोड़ी सी फुली हुई है, इसलिए मैं अगेन यहाँ पे सारे प्लेट्स को अरेंज करके और इनको सिक्योर कर दूंगी। तो सिक्योर करने के बाद ये सारे प्लेट्स अपने जगह पे काफ़ी अच्छे से बैठ जाएंगी और उसके बाद अब हम सामने के प्लेट्स बनाना शुरू करेंगे। ये जो स्टाइल है ये मेरी पर्सनल फेवरेट स्टाइल है क्योंकि इसमें आपकी अपीयरेंस जो आती है बिल्कुल डॉल टाइप की आती है। तो सामने के सारे फैब्रिक को हम प्लेट्स में अरेंज कर लेंगे और सभी की डायरेक्शन हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखेंगे। इन सारे प्लेट्स में हम एक सेफ्टी पिन लगा लेंगे और फिर इनको हम अपनी बेली बटन के पास टक कर देंगे। यहाँ पे राइट की तरफ अगर आपकी एक्स्ट्रा फैब्रिक बच भी जाती है तो आप इसको चाहो तो खींचकर पीछे की तरफ ले जा सकते हो या फिर आप उनको ठीक उसी प्लेस पे ही टक कर सकते हो। इसके बाद सामने की तरफ जो ये वाटरफॉल प्लेट्स बन रही हैं हम इनको अपने हाथों से ही प्रेस करके इनको इसी ठीक प्लेस पे ही बैठा देंगे, क्योंकि इस टाइप की जो सिल्क होती है ना इसमें प्लेट्स आसानी से नहीं बैठती। सीधा अगर प्लेट्स आप बनाओगे तो वो काफ़ी अच्छे से बन जाएंगी, बट इस टाइप की प्लेट्स को बैठाना पड़ता है हाथों से प्रेस करके। इसके बाद अब हम अपने पीछे की तरफ से पल्लू को घुमाकर सामने की तरफ लाएंगे और पल्लू पे हमें 2 से 3 प्लेट्स अरेंज करनी है और उसके बाद हम इनको अपनी राइट साइड पे सिक्योर कर देंगे सेफ्टी पिन से। सामने की तरफ हम इनको बिल्कुल स्ट्रेट बॉर्डर रखते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे और पीछे की साइड पे भी हमें ऐसे ही इनको सिक्योर करना है। तो ये देखिए मैंने इनको सिक्योर कर लिया है।
तो इस स्टाइल के साथ आप वेस्ट बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए, बेल्ट काफ़ी अच्छी लगेगी। मैं वेस्ट चेन की बात नहीं कर रही क्योंकि वेस्ट चेन इस पर उतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं लगने वाली, क्योंकि सामने की साइड जो रहती है वो हमारी पूरी कवर रहती है, तो इसलिए आप बेल्ट का ही इस्तेमाल कीजिए। और ये लीजिए हमारी फाइनल लुक। तो चलिए अब हम अपनी थर्ड ड्रेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको बिल्कुल यूनिक और अट्रैक्टिव तरीके से साड़ी को लहंगा स्टाइल में ड्रेप करना सिखाऊंगी। इसके लिए आप अपनी कोई सी भी वॉल्यूम वाली स्कर्ट वेयर कर लीजिए। अगर वॉल्यूम वाली स्कर्ट नहीं है तो आप केन केन स्कर्ट का इस्तेमाल कीजिए। तो साड़ी को जब हम टक करते हैं तो जो भी सिंपल वाली पार्ट होती है पहले हम उनको हाइड करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक को थोड़ी सी फोल्ड कर दी है और अब मैं इसको अपनी राइट साइड पे टक कर दूंगी। इसके बाद जो हम सेकंड प्लेट बनाएंगे इसकी भी डायरेक्शन हम अपनी राइट की तरफ रखेंगे और एक प्रॉपर प्लेट बनाकर हम इनको टक कर देंगे। यहाँ पे जो प्लेट्स ऐसी बन रही हैं उनमें फैब्रिक का कमाल है। कॉटन की सिल्क की साड़ी में इस तरीके से प्लेट्स बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, काफ़ी आसानी से ये सारे प्लेट्स अपने आप अपनी जगह पे बैठ जाती हैं। तो लहंगा साड़ी ड्रेप करने के लिए ये फैब्रिक बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम ऐसे ही करते हुए अपने सारे प्लेट्स बना लेंगे और हल्के हल्के हम अपने स्कर्ट को मूव करते हुए जाएंगे ताकि सारी प्लेट्स हम अपने सामने में ही प्रॉपर तरीके से बना पाएँ। तो प्लेट्स जब सारी बन जाती हैं तो एक बार हमें इनको सेट कर देना है। तो अब जो पल्लू वाली लेंथ है आप उनको सीधा पल्लू ऐसे रखकर चाहे तो इस लुक को यहीं पे कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आप कुछ न्यू ट्राई करना चाहो तो आप अपनी सबसे पहले तो पल्लू को बिल्कुल फ्री कर लीजिए। इसके बाद हमें पल्लू को अपनी पीछे की तरफ ले जानी है, इसकी दोनों ही कॉर्नर्स को, और एक जो बॉर्डर है वो हम अपने फ्रंट पे ऐसे टक करेंगे। काफ़ी अच्छे से हमें इनको अपनी लेफ्ट साइड कमर के ऊपर सेट करनी है और इसकी जो दूसरी वाली बॉर्डर है इसको हम सामने की तरफ घुमाकर लाएंगे। और इसके जो कॉर्नर आप ऊपर की तरफ देख रहे हो इस कॉर्नर को हम ऐसे सेट करेंगे कि बॉर्डर जो रहे वो सामने की तरफ बिल्कुल परफेक्टली सेट दिखे। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल वी बनाते हुए इस बॉर्डर को सेट करनी है और हम इनको अपनी ब्लाउज के साथ सिक्योर कर देंगे। इसके बाद आप चाहो तो अपनी साड़ी के ऊपर ये साड़ी ब्रूच लगा सकते हो, इससे आपकी ये जो लुक है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। तो साड़ी ब्रूच आप अपनी शोल्डर पे इस्तेमाल कीजिए, इससे आपकी ड्रेपिंग स्टाइल की शो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अब हम क्या करेंगे कि कमर के पास वाली फैब्रिक जब तक हम सिक्योर नहीं करेंगे तब तक ये कभी भी खुल सकती है, तो इनको सिक्योर करने के लिए हम साड़ी क्लिप का इस्तेमाल करेंगे। और जब हम ये साड़ी क्लिप लगाएंगे तो केवल हमारी कमर के पास वाली फैब्रिक ही सिक्योर नहीं होगी, इनके साथ साथ हमारे सामने के प्लेट्स भी अच्छे तरीके से सिक्योर हो जाएंगी। तो जिनको भी अनस्टिच ड्रेप किया हुआ लहंगा वेयर करने में प्रॉब्लम होती है या इनसिक्योर होते हैं तो आप इस तरीके से साड़ी क्लिप का इस्तेमाल कर सकते हो। और बस लुक को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए आप वेस्ट बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए और लीजिए हमारी ये ड्रेपिंग जो है वो बिल्कुल कंप्लीट है। तो ये रही हमारी फाइनल लुक। तो चलिए अब हम अपनी फोर्थ ड्रेप की तरफ आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि कॉटन सिल्क साड़ी को धोती स्टाइल में कैसे ड्रेप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी पल्लू वाली जो फैब्रिक है उसको अपनी राइट साइड की तरफ रखिए और जो दूसरी पार्ट है वो आपकी लेफ्ट साइड की तरफ रहेगी। अब क्योंकि बॉर्डर इस टाइप की है, इतनी चौड़ी है प्लस थोड़ी सी ये कड़क है, तो इसलिए यहाँ पर हम केवल इनको नॉट बनाकर ही नहीं छोड़ें, क्योंकि इस टाइप की साड़ियों में नॉट हमारी कभी भी खुल सकती है, तो इसलिए एक नॉट बनाकर हम इसके ऊपर एक सेफ्टी पिन लगा देंगे ताकि हमारी जो नॉट है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहें। तो धोती स्टाइल में हमारी पूरी ड्रेपिंग इस नॉट पे ही डिपेंड करती है, इसलिए इनका सिक्योर होना ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम अपनी लेफ्ट साइड की फैब्रिक को अपने पैरों के बीच से पीछे की तरफ ले जाएंगे और फैब्रिक को हम पीछे की तरफ से लाकर अपने दोनों हैंड्स में इनकी बॉर्डर को ऐसे पकड़ लेंगे। अब जो बॉर्डर हमारे पैरों के पास सामने की तरफ है
हम इस बॉर्डर को आगे की तरफ ऊपर रखकर इनके पीछे सारे फैब्रिक को प्लेट्स में अरेंज कर देंगे। इसके बाद हम प्लेट्स को ऐसे गैदर करके और बॉर्डर को अच्छे से प्लेट हम अपने पैरों पे सेट करके इनको सामने की तरफ टक कर देंगे। पीछे की साइड से पे जो हमारी दूसरी बॉर्डर थी, इनको हमें कमर के पास ऐसे सेट करनी है। ये बॉर्डर क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी है, इसलिए हम बॉर्डर की थोड़ी सी हिस्से को अंदर की तरफ टक कर देंगे कमर के पास। अब पीछे की तरफ फैब्रिक टक करने से पहले हम पैरों के पास वाली फैब्रिक को बिल्कुल टाइट कर लेंगे। बॉर्डर हमारे पैरों पे अच्छी तरीके से सेट होनी चाहिए, उसके बाद ही हम पीछे तरफ फैब्रिक टक करेंगे। यहाँ पे आप चाहो तो साड़ी क्लिप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम अपनी राइट वाली फैब्रिक को भी ऐसे ही पीछे की तरफ ले जाएंगे और पल्लू को हम पहले अच्छे से सेट कर देंगे और पल्लू हम तब तक अपनी लेफ्ट साइड की तरफ खींचेंगे जब तक हमारे पैरों के पास वाले बॉर्डर टाइट ना हो जाए। इसके बाद हम अपनी शोल्डर पिन यूज़ कर लेंगे। अब हमारी यहाँ साइड पे जो लूज़ पड़ी हुई फैब्रिक है, इनको भी हम सिंगल प्लेट में अरेंज करके और सामने की तरफ वाली बॉर्डर को सेट करते हुए हम इनको पीछे की साइड टक करेंगे। तो सामने की तरफ बॉर्डर आपके नेक पे ना चढ़े ज़्यादा, इसलिए आप यहाँ पे भी एक सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर सकते हो। और इस लुक के साथ आप वेस्ट बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए, वो आपको काफ़ी ज़्यादा रिच लुक देगी। तो ये रही फाइनल लुक। तो आपको इन चारों स्टाइल्स में कौन सी स्टाइल सबसे ज़्यादा पसंद आई है, आप इसके बारे में कमेंट कर सकते हो। तो मैं अब आप सबसे मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।